यो गाइस वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोस। मेरा नाम है निखिल और ये है मेरा भाई अभिषेक। हेलो। तो गाइस आज हमारी सेकंड वीडियो है आफ्टर अ ईयर बाय करण ओजला, लेट हिम प्ले। काफी टाइम से हम लोग ये सोच रहे थे कि वीडियोस हम कब निकाले क्योंकि हमें टाइम नहीं लग रहा था और साथ में इंटरनेट भी शट डाउन था और काफी सारी प्रॉब्लम्स थी वो हमने अपनी पुरानी पिछली वीडियो में डिस्कस की है। काफी सारा जुगाड़ लगा के हमने वीडियोस बनानी शुरू की है अभी। तो अभी आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबसे और पहले भी सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और सबसे पहले गाना प्ले करते हैं, लेट देम प्ले बाय करण ओजला, वीडियो बाय सुख संगेड़ा, रेहान डक्कर्स। बड़ा टाइम बाद देखा रहे हैं आंखों के साथ पंगे कर रहे हैं। देखा तुमने अच्छा, अभी बच्चे खेल रहे हैं रियल सक्सेस अभी बाकी है, अभी खेल रहे हैं। सही है यार, हस्की कहते हैं इसको, कहते हैं हस्की बोली है। तो तुझे क्या लग रहा है, भेड़िया पकड़ लिया इसने? मन कर रहा डांस करूं ये बोला है क्या नाम है, स्नूप डॉग। ये मैंने वीडियो देखी है स्नूप डॉग की, आई वांट टू थैंक मी। बहुत अच्छी वीडियो थी यार, बहुत अच्छा सॉन्ग था ये, और स्नूप डॉग का जो मोटिवेशनल स्पीच थी ना वो इसमें ऐड की हुई है। स्नूप डॉग एक बार अपने अवार्ड फंक्शन में किसी गया था, उसको अवार्ड मिला और काफी सारे लोग ये करते हैं अवार्ड फंक्शन में आगे कि मैं अपने डायरेक्टर को ये करता हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर को ये करता हूँ, पर स्नूप डॉग एक सैवेज की तरह उसने सिर्फ बोला कि मैं अपने आप को ही करता हूँ। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इंसान जब राइज करता है ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। हम लोगों तो को सिर्फ तभी दिखता है जब वो एक बार टॉप पे पहुंच गया होता है। बिल्कुल, उनको ये नहीं पता कि जब टॉप से ऊपर जो चढ़ा है वो किस तरह चढ़ा है। बिल्कुल, अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है फिल्म से या मूवीज से, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो बंदा मतलब रैग्स टू रिचेस बन के आया बंदा। सही बात है। और यार एक बात मैं बताऊं, हमको ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल करण ओजला मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट ही काम करता है ये बाहर,
सिद्धू मूसेवाला तो करता है, सिद्धू मूसेवाला करता है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जिनको हमें इंडिपेंडेंट ये भी अगर देखा जाए तो खुद ही निकला है बाहर, इसको लॉन्च थोड़ी किया वहां से, है ना। तो क्योंकि आजकल नेपोटिज्म आजकल क्या हमेशा से था नेपोटिज्म, बल्कि सिर्फ और ये इंडस्ट्री में ही था, हर जगह ही। बिल्कुल, नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है कि वो हर, यहाँ तक कि कुछ एक्सटेंट तक ना आर्मी में भी होता है ये, क्योंकि जो आर्मी होता है ना रिलेशन लगा के जो भर्ती देखने जाते हैं या फिर जो ऑफिसर्स के लिए होता है तो थोड़ा बहुत वहां पे चलता है, लेकिन ऑफकोर्स हर जगह नेपोटिज्म तो होता ही है। लेकिन जैसे कि मतलब एक आदमी ने कहा था कि नेपोटिज्म सही होता है, ऐसी बात नहीं है, वहां से भी हमें काफी सारे अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन जब आप रियल टैलेंट को ब्लॉक कर देते हो नेपोटिज्म के लिए, तो फिर वो गलत है, बहुत गलत है। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं बिल्कुल सेल्फ मेड है, जैसे कि करण औजला हो गया, सिद्धू मूसेवाला हो गया और भी बहुत सारे। और मैंने एक चीज और नोटिस किया पंजाबी इंडस्ट्री में खासकर कि ना राइज वही करता है यहाँ पे जिसमें टैलेंट होता है। बिल्कुल, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो पहले थे ना जो राइज किए हुए थे जिनमें मतलब कि जो किसी और के गाने लेके गा देते थे, आज वो बंदे फ्लॉप हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा। लेकिन आजकल बॉलीवुड में ऐसा चल रहा है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है, और क्योंकि अभी हमें ये ज्यादा इसलिए पता चल रहा है क्योंकि ऑफकोर्स इंसिडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया और ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है। और इसी तरह जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सक्सेस के पीछे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल छुपा होता है, वो लोग नेपोटिज्म से ऊपर उठ के आते हैं, मतलब नेपोटिज्म से इन द सेंस कि वो नेपोटिज्म से लड़के आगे आते हैं और बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं। हमें तो सिर्फ उनका अच्छा चेहरा दिखता है लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है ये शायद ही किसी को पता चले। किसी को नहीं दिखता, उसी बंदे को पता होता है इसने की होती है। बिल्कुल, और हमें इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो रही बात भाई करण औजला की इस वीडियो के बारे में, तो एक लास्ट वीडियो बनाई हुई है, एक लास्ट और सॉन्ग, क्या सॉन्ग है यार इसकी आवाज के बारे में, करण औजला की आवाज के बारे में तो हमेशा हमने यही बोला की भाई बल्कि एक यूनिक आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है इसकी। और साथ में मतलब इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि जो रियल सक्सेस है अभी वो आनी बाकी है, तो भाई अभी देखते हैं कितनी सक्सेस अभी बाकी है, कितने सारे सॉन्ग्स है। वैसे इनको गीतों की मशीन कहते हैं, तो क्या पता कितने गाने अभी आने बाकी, और हमने भी कितने गाने छोड़ दिए हुए हैं। हमने काफी गाने छोड़ दिए भाई और हमको काफी ज्यादा कवर अप करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बने रहो इस चैनल के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इस तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।